ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, अस्त्रों की एक ऐसी दुनिया जो शायद ही किसी ने इमेजिन की होगी कि ऐसी भी दुनिया कभी कोई बना सकता है, बट दोस्तों अयान मुखर्जी ने वह चीज करके दिखा दी है। हमें एक ऐसी दुनिया देखने के लिए मिलने वाली है अस्त्रों की, हिंदू शक्तियों की, जिसकी मतलब शक्तियां इतनी ज्यादा है शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते, और उन शक्तियों को किस तरह से उसमें उपयोग किया गया है वह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड है कि भैया इसकी टिकट हमें कब मिलेगी, हमें इसकी टिकट चाहिए और फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस में इसमें को देखने जाना है सबको। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कब से इसकी इंडिया में एडवांस बुकिंग कलेक्शन स्टार्ट होने वाली है, यूके में कैसे चल रहा है इसका सीन, यूएसए में क्या सीन चल रहा है, और इनफैक्ट यूएई में यानी दुबई में इसकी टिकट जो है कब से हमें मिलती नजर आने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हैं या फिर आप सेकंड डे के बाद जाने वाले हैं या फिर फर्स्ट डे के रिव्यू देखने के बाद जाने वाले हैं, कमेंट में उस चीज को जरूर मेंशन करिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बाकी हम अपनी वीडियो की तरफ। हाँ तो मैंने आपको काफी टाइम पहले बता दिया था, लगभग 4-5 दिन पहले एक चीज बताई थी वीडियो बना के कि इसकी जो बुकिंग है एडवांस बुकिंग वह यूके में स्टार्ट हो चुकी है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि जितने में भी थिएटर्स में ये शो लगे हैं इसके वो काफी ज्यादा टिकट्स, मैं कहूं तो 90% जो टिकट्स है शोज है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही कम सीट्स वहां पे अभी बच रही हैं, बाकी वो भी कुछ दिनों में आगे हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म को आने में 9 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, लगभग 10 दिन अभी बचे हैं तो देखने लायक होगा, तब तक तो सिर्फ यूके की सारी टिकट्स फुल हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम यूएसए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल आपको एक ट्रेलर थोड़ा टाइप का दिखा होगा, इसमें रणबीर कपूर हमें देखने में नजर आया है काफी ज्यादा, तो उस फिल्म उस ट्रेलर के रिलीज करने के साथ ही साथ यह बताया गया है कि भैया यूएसए में यानी कि यूनाइटेड अमेरिका में आपको यूनाइटेड नेशन अमेरिका में ना यहाँ पे आपको ना देखने के लिए इसकी जो एडवांस बुकिंग है वह स्टार्ट हो चुकी है, यानी कल से इसकी 30 अगस्त से इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। बाकी अभी इसका कलेक्शन खास तौर पे निकल के नहीं आया है, बट दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा अच्छे से कही जा रही है कि इसके जो शोज है वो 40-50% एक दिन के अंदर अंदर ही बुक हो चुके हैं। बाकी बात करते हैं हम यूएई में यानी कि दुबई में इसका जो एडवांस बुकिंग है कब से स्टार्ट होता नजर आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ कि दुबई में आपको इसका जो एडवांस बुकिंग है वह कल यानी कि 1 सितंबर से देखना आपको ना किसी किसी थिएटर्स में इसकी जो बुकिंग्स है वो स्टार्ट होती नजर आने वाली है। और हमेशा आप देखोगे बुकिंग ना डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसी सारी के सारे थिएटर्स में खोल नहीं दी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक है, मेन बात है वह है इंडिया कि भैया इंडिया में हमें कब इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकलती नजर आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज कि इंडिया में मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी कहा है कि इंडिया में 3 सितंबर को इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन आपको स्टार्ट होती नजर आने वाली है, बट दोस्तों कहीं कहीं पर आपको 2 सितंबर को आपको शाम के टाइम से यानी आफ्टरनून के टाइम से इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकलती हुई नजर आने वाली है। बाकी एडवांस बुकिंग जो भी है आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, बट हाँ इंडिया में अगर आप बात करोगे तो कुछ कुछ सिटीज में आपको 2 सितंबर से आफ्टरनून के बाद आपको एडवांस बुक टिकट मिल जाएगी, 3 सितंबर से या फिर लास्ट 4 सितंबर से आपको हर सिटीज में हर थिएटर्स में जहां जहां ये फिल्म लगने वाली है वहां वहां आपको इजीली ये फिल्म देखने के लिए मिलने वाली है। अब कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी फर्स्ट डे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है वो अप्रॉक्स 35 करोड़ के आसपास होने वाली है इन इंडिया। अगर हम ओवरसीज के बारे में बात करें तो यही कलेक्शन हमें 45 करोड़-50 करोड़ के आसपास की नजर आने वाली है। अब आप बता दो भैया आपको क्या लगता है कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना यह फिल्म करती आने वाली है। और हाँ इस फिल्म को अभी मैं बता रहा हूँ, जब आप कमेंट करना ना तो प्लीज #SupportBrahmastra जरूर लिखना, क्योंकि यह उन लोगों को थोड़ा जवाब देना है जो बायकॉट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी जवाब देना #SupportBrahmastra, उस चीज को कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।